सो हम जैसे ही लेसे निकले मैग्नेटिक हिल मिस हो गया। तो अभी हम पहुंच गए कारगिल वॉर मेमोरियल। लेह लद्दाख का माउंटेन और यहाँ का माउंटेन के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ का मौसम देख सकते हैं पूरा बिगड़ गया है। अभी देख सकते हैं जोजरा पास, वहाँ पे भारी भरकम बारिश हो रहा है। अंकल बाय, फिर ओके ओके फिर मिलेंगे। तो लास्ट बार एप्पल को देख सकते हैं, ये एप्पल पूरा एप्रिकॉट। ओके जिगमत, ओके 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 फिर मिलेंगे। ओके अभी हम निकल रहे हैं लेह सिटी से, अभी जाना है हमें श्रीनगर, तो कारगिल होके जाएंगे। ऐसे करके वैसे करके आज लेट तो हो ही गया। कभी इसका वो बाइक का की गुम हो गया और मेरा चार्जर यहाँ पे टूट गया, तो ये करते करते थोड़ा टाइम तो लगा। तो अभी हम फ्यूल भरने जा रहे हैं, फ्यूल भर के जाएंगे डायरेक्ट। सो मेरे टैंक के अंदर 1000 का तेल जा चुका है, अभी सबने तेल लगाया, अभी यहाँ से निकलते कारगिल की ओर। तो आप देख सकते हैं वहाँ से प्लेन आ रहा है, देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है ना, इस तरह से लैंड कर रहा है। आइस सो अभी हम जिस रास्ते में चल रहे हैं ये नेशनल हाईवे 1 है। सो बढ़िया दिख रहा है, ये वाला नया है और ये किचन भी नया है, चमक रहा है, चमक रहा है भाई। तो अभी हमें आगे जाना है और कहीं पे चाय पीना है, तो चाय पी के मिलते हैं फिर। मेरे बाइक का राइट साइड का सॉकर जो है उससे अभी वो ऑयल निकल रहा है, सफर ऑयल निकल रहा है, तो मुझे डर है कि श्रीनगर तक पहुंच पाएगा नहीं, क्योंकि अभी 400 किलोमीटर बाकी है। अरे भाई सो हम जैसे ही लेसे निकले मैग्नेटिक हिल मिस हो गया। कहाँ बीच में पड़ा वो पता नहीं, लेकिन मिस हो गया, क्योंकि सुबह सुबह निकलते थे ना तो कोई नहीं देखा उधर, तो उतना भीड़ भी नहीं था, खाली खाली रोड था, तो इसे क्रॉस कर दिया। मैग्नेटिक हिल कहाँ पे था वो पता भी नहीं चला, तो नेक्स्ट टाइम जरूर आएंगे मैग्नेटिक हिल देखने के लिए। देख सकते सॉकर से पूरा ऑयल लीक हो रहा है और नीचे तक आ चुका है, नीचे तक आ चुका है, देख सकते पूरा नीचे तक। तो ये जा पाएगा नहीं, टेंशन में है भाई हम। चाय हो गया और ब्रेकफास्ट भी हो गया, तो अभी निकल रहे हैं श्रीनगर की ओर। तो चलते चलते मजा लेते लेते आगे बढ़ते हैं और जाके कारगिल में ही रुकेंगे, बीच में नहीं रुकेंगे, क्योंकि मेन है कंसिस्टेंसी। अगर आपके पास कंसिस्टेंसी हो ना तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर लोगे डिस्टेंस, लेकिन अगर स्पीड चला के भी रोकते रोकते जाओगे तो कैसे कर पाओगे भाई। तो हम एक स्पीड में जाएंगे, 70-80-90 तक जाएंगे, उसी स्पीड को मेंटेन करते करते आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं रास्ते में। कारगिल अभी शायद होगा 120 किलोमीटर, तो कारगिल जाके ही रोकना है, उससे आगे नहीं, क्योंकि हमें जाना है श्रीनगर, फिर वो जोजिला पास क्रॉस करके जाना है, तो जितना जल्द करेंगे उतना ही बेटर होगा। इंडिया में इतना डाइवर्सिटी है, ट्रेडिशन को लेके, कल्चर को लेके,
और जो लैंडस्केप है यहाँ का और जो लोग जिस तरह से जीते हैं वो भी डिफरेंट है। तो शानदार है, डाइवर्सिटी में सब यूनाइटेड है। जितना भी पैलेस मोनेस्ट्री ये सब होता है ये सब पहाड़ों पे होता है क्योंकि फर्स्ट सनलाइट इन्हीं पे पड़ रहा है, वो एक रीज़न हो सकता है। और होता है निगरानी करने में थोड़ा इजी होता है तो वो रीज़न है। अभी चढ़ना है इस पहाड़ पे, जाते आगे क्या है फिर, बहुत डिफरेंट टाइप का लग रहा है पहाड़, देख सकते हैं। और सुंदर सुंदर पेड़ लगाया है और इस तरह का नज़ारा बहुत बढ़िया लगता है। इन लोगों को थोड़ा मिठाई देना चाहता हूँ। झूले गाड़ी आएगा जल्दी लो। वेलकम, बहुत ही अच्छा लगा, कितना प्यारा प्यारा बच्चे हैं। कुछ कुछ चीजें लाइफ में छोड़ने को मन नहीं करता लेकिन लाइफ आगे बढ़ाने के लिए कहीं तो जाना पड़ता है। ले लद्दाख को भूल तो नहीं पाऊंगा, ना ही लोगों को, सब अच्छे हैं, दिल के सच्चे हैं। अभी के लिए बाय बाय, लेकिन फिर जरूर मिलेंगे। सो बहुत ही सुंदर गांव मिला अभी। अभी कारगिल पहुंचने में 30 किलोमीटर, तो अभी गेहूं का टाइम या हार्वेस्टिंग का टाइम हो रहा है तो सब काम में लगे। अभी देख सकते हैं गेहूं का काम हो रहा है। जो जिगमंद ने बोला था वो वाला वो माउंटेन है और वहां पे मोनेस्ट्री भी दिख रहा है। ऐसे पहाड़ों के अंदर है मोनेस्ट्री, तो मैं इनको दिखाने के लिए यहाँ पे ठहर जाऊँगा क्योंकि योगेश और वोंगदी मेरे पीछे है। तो एक्चुअल में हमें जाना था थोड़ा सा अंदर लेकिन अभी थोड़ा लेट हो रहा है तो नहीं जाएंगे। तो देख सकते हैं पहाड़ों के अंदर अच्छा सा मोनेस्ट्री है। तो जिगमत ने जो मोनेस्ट्री के लिए रिकमेंड किया था वो उसका गांव यहाँ से थोड़ा अंदर है, तो वो पहाड़ के अंदर जो मोनेस्ट्री है एकदम खूबसूरत है। तो अभी हम वहाँ जाने वाले नहीं हैं, अभी कारगिल पहुँचने वाले तो हम जाएंगे आगे। सो जिगमत भाई ने इसी ब्रिज से अंदर जाने के लिए बोला था तो यहाँ से हम नहीं जाएंगे अभी क्योंकि लेट होगा जैसा लग रहा है, क्योंकि बाइक में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ चुका है अभी सॉकड़ में। तो अभी डायरेक्ट कारगिल जाएंगे, कारगिल जाके थोड़ा सा कुछ फोटो क्लिक करेंगे, थोड़ा देखेंगे, उसके बाद हम जाएंगे डायरेक्ट टू श्रीनगर। सो यहाँ का जगह भी एकदम खूबसूरत है और जितना भी घर देख रहा हूँ वो भी बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पे थोड़ा सा होटल्स होम स्टे ये बन रहा है, बाद में आएंगे तो मज़ा आएगा, थोड़ा टाइम निकाल के आना पड़ेगा तो यहाँ भी रह सकते हैं। सो यही है शायद, यही है कारगिल। अभी हम पहुँच गए कारगिल वॉर मेमोरियल, तो यहाँ पे बाइक खड़ी कर दी। अभी थोड़ा सा लंच करेंगे उसके बाद ही अंदर जाएंगे देखने के लिए। होटल तोलिंग इन, तो यहाँ पे लंच करेंगे अगर कुछ है तो। सो अभी हम कारगिल वॉर मेमोरियल में पहुँच गए, अभी लंच करने के लिए इस रेस्टोरेंट में आए तो योगेश और वंदी वहाँ पे, तो थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करेंगे। आज सुना है कि ऊपर जोजिला पास बंद है तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, एक ट्राई तो मार ही लेंगे, लेकिन क्योंकि हमारे पास उतना दिन भी नहीं है, हमें जल्दी लौटना है। तो ठीक है, मिलते रेस्ट। दादाजी दादाजी मजल नेपाली बोल्नु हुँदो रहेछ हो, सिक्किमको केटा रामसँग काम गरेर के
सो हमारा तिरंगा लहरा रहा है यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। Right now we are in Kargil War Memorial and it's also known as Dras War Memorial and it's built by Indian Army in the town of Dras. ये Dras में पड़ता है। 1999 Kargil War जो between India and Pakistan हुआ था वो श्रीनगर ले National Highway में पड़ता है। तो ये 5 किलोमीटर है और ये जो देख रहा है ऊपर ये है Tololing Top जहाँ पे ये war हुआ था और यहाँ Tiger Hill भी बोलते हैं। तो ये सब है नजारा यहाँ का। तो अभी हम जा रहे हैं कारगिल वॉर मेमोरियल से, थोड़ा आगे निकलते हैं और पेट्रोल भी डालना है। यहाँ का मौसम देख सकते हैं पूरा बिगड़ गया है, यहाँ मौसम एकदम बिगड़ चुका है। अभी देख सकते हैं जोजरा पास वहाँ पे भारी वर्कम बारिश हो रहा है। तो गोपो को अंदर करते हैं फिर श्रीनगर पहुँच के इसको ऑन करते हैं। बाय। बाप रे बाप, यहाँ का जो कंडीशन था रोड का वो एकदम भयानक था भाई। जोजिला में सिर्फ एक ही मंत्र पढ़ते पढ़ते आया, ओम माने पे मैं, ओम माने पे मैं, ओम माने पे मैं। गिर रहा है अभी पत्थर, गिर रहा है भाई। रोड देखिए एकदम भयंकर है रोड। थोड़ा सा रिलीफ फील कर रहा हूँ अभी। हाँ, योगेश्वर वंगदी कहाँ है वो पता नहीं, पीछे ही होंगे। लेकिन अभी दिन ठीक हो गया। जो इस माउंटेन के पिछले पार्ट था वहाँ पे इतना भारी बारिश हो रहा था, गोप्रो को अंदर कर दिया। लेकिन यहाँ पे ठीक लग रहा है अभी, अभी शांत हो गया। लेकिन रोड का कंडीशन देख सकते हैं, रोड का कंडीशन कैसा है। बहुत ठंड हो रहा है भाई, बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रहा है। सब जूते भीग गया, पैंट के अंदर पानी जा चुका है, जैकेट भी नहीं गया है, जैकेट सूखा है, लेकिन हाथ बर्फ बन चुका है अभी। क्या ठंड है भाई, ये लोग कैसे यहाँ सरवाइव करते हैं भाई। बाप रे बाप, इतनी हाइट पे। जैसे ही उस पहाड़ को क्रॉस किया पूरा व्यू टोटल चेंज। थोड़ा रिलीफ फील कर रहा हूँ अभी। लेह लद्दाख का माउंटेन और यहाँ का माउंटेन के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं टोटली डिफरेंट है ना। बहुत ही डेलिकेट रास्ता है, बहुत ही खतरनाक रास्ता है, थोड़ा सा संभाल के चलना पड़ेगा। हिल साइड में तो ज़्यादातर रास्ते ऐसे ऐसे ही होते हैं, तो उतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा ध्यान में रख के चलाना पड़ेगा। थोड़ा सा देख के पानी के अंदर से अवॉइड करना पड़ेगा क्योंकि कुछ भी हो सकता है, गड्ढा कितना गहरा हो सकता है वो तो पता नहीं, तो इसीलिए गड्ढे को बाईपास करते करते जाना है।
वी आर जस्ट 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम सोनमर्ग, तो यहाँ का व्यू देख सकते हैं आप लोग, कुछ इस तरह का है, देख सकते हैं। जैसे हम सपनों में सोचते हैं ना, उसी तरह का यहाँ पे जो पहाड़ है, जो पेड़, जो पौधे, यहाँ का जो वादियाँ, जो यहाँ का हवा, वैसे के वैसे ही देख सकते हैं। अति सुंदर, इंडिया इज सो ब्यूटीफुल। बॉयज एंड गर्ल्स, यू मस्ट विजिट दिस प्लेस सोनमर्ग। कितना सारा है भाई, ये भेड़ है या बकरी, बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। बहुत पीसफुल लग रहा है अभी। श्रीनगर पहुंचने में अभी भी बहुत किलोमीटर है भाई, 75 लगभग, ऐसे 75 किलोमीटर है, तो जल्दी जल्दी करके पहुंचना है क्योंकि रूम अभी तक बुक नहीं है। श्रीनगर पहुंचने में सिर्फ 51 किलोमीटर है, डाल लेक में जाके हाउस बोट देखेंगे, हाउस बोट ही बोलते हैं या बोट हाउस बोलते हैं, वो देखेंगे, वहाँ पर रहना है। थैंक यू सर जी। एक जनाब से मिले और उनने बहुत एडवाइस भी दिया, कहाँ बैठना है, क्या करना है, यहाँ पे क्या है, कहाँ जाना घूमने के लिए। तो अभी हम डाल लेक की ओर जा रहे हैं, यहाँ से सिर्फ पड़ता है 30 किलोमीटर, तो अभी टाइम हुआ है 8 बजने ही वाला है, तो ठीक है। सो यहाँ पे देख ही सकते, इस साइड भी डाल लेक, इस साइड भी डाल लेक, और हम निकले हैं होटल ढूंढने के लिए। अगर बोट हाउस मिला तो बढ़िया, लेकिन आज का ले टू श्रीनगर वाला जो भी जर्नी था वो एकदम ज़बरदस्त था, बहुत मज़ा आया और कहानी में बहुत ट्विस्ट भी था, तो सब मिला के नंबर वन था, नंबर वन। तो देखेंगे अभी लोटस दिन में तो कितना प्यारा दिखता होगा, अभी दिन में देखेंगे, अभी कमेंट नहीं करेंगे, कल ही कमेंट करेंगे, जब ये देखेंगे तभी कमेंट करेंगे। तो कश्मीर के जो भी बंदे मिले ना, वो एकदम दिल के साफ होते हैं, बहुत ही अच्छे, और उन्होंने जो सजेशन दिया, उन्होंने जो बताया है, उसी बात को मानते हुए हम नेहरू पार्क जा रहे हैं। अभी तक रूम नहीं मिला है, अभी 9:30 होने वाला है रात को, अभी तक रूम नहीं मिला है हमें। कोई अगर एक ऐसे यहाँ बाहर ही अगर बिस्तर मिल जाए ना, तो यहीं पर सो जाएंगे, इस तरह का है। तो अभी जल्दी जल्दी करके फाइंड आउट कर दे, तो उसके बाद सामान को उतारना है, सब बैठना है, तो ओके मिलते हैं। बोट हाउस होगा या नॉर्मल होटल होगा देखेंगे। हेलो एवरीवन, सो अभी 12 बजने ही वाला है, 11:30 होने वाला है, तो हमें एट लास्ट बोट हाउस मिल ही गया। यहाँ पे सावर लेंगे, उसके बाद फिर सोना पड़ेगा भाई, ये बेडरूम हमारा, तो मिलते थोड़ी देर बाद फ्रेश होके। सो अभी बज गए 12, राइट नाउ वी आर इन कश्मीर श्रीनगर। सो दाल लेक के बोट हाउस में है अभी। अभी जो ऑर्डर दिया था कावा, ये आ चुका है हमारे पास, एकदम बढ़िया, केसर डाल के, केसर डाला हुआ है, बहुत ही बढ़िया। तो अभी खाना बन रहा है हम लोगों के लिए, अभी 12 तो बज गए लेकिन खाना खा के सोएंगे, और कल अच्छे से घूमेंगे यहाँ बोट हाउस में, और पूरा दाल लेक में राउंड मारेंगे कल। लगेज